प्रणाम विद्यार्थीगण, आज हम स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 6 विनोद पध्यानी षष्ठ पाठ विनोद पध्यानी उसका अभ्यास करेंगे, जिसमें ऐसे थोड़े बोलते हैं ना टोन में, जिसको हम इनडायरेक्टली जिसको कहते हैं वैसे ये वर्सेस है, मतलब कुछ मोरल दे जाते हैं। सदा वक्री सदा क्रूर, सदा वक्री यानी क्रूर, ठीक है, जो क्रूक्ड होता है वो टेढ़ा, सदा क्रूर ऑलवेज क्रूर होता है। कन्या राशि स्थित सदा, यानी कन्या राशि में जो हमेशा रहने वाला है वो सदा पूजा उपेक्षते, यानी वो हमेशा ऐसी उपेक्षा रखता है, विश रखता है कि मेरी लोग पूजा करें। जामाता दशमो ग्रह, 10th नंबर का जो प्लेनेट है वो क्या है, जमाई। हमारे फैमिली में भी हमारी सिस्टर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उनकी जब शादी होती है तो उनके हस्बैंड को हम गुजराती में जमाई के भाई हिंदी में दामाद कहते हैं। तो वो उनका जो नेचर है वो कैसा होता है, हमेशा टेढ़ा नेचर रहता है, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन जब ससुराल में वो आता है उसकी वाइफ के ससुराल में, तो वो कैसा होता है, मतलब क्रूर टाइप का। सब ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिया गया है कि कन्या राशि में जो स्थित है वो हमेशा टेढ़ा, मतलब कभी ना कभी कोई बात से उसको मतलब ऐसा ही हो जाता है उसका नेचर, कि लोगों से अच्छे से बात नहीं करता है, निर्दयी। अगर कुछ ऐसे भी होते हैं जमाई जो मतलब मारपीट करते हैं, और हमेशा ऐसा उसको एक्सपेक्टेशन रहती है कि लोग मेरी पूजा करें, मेरी और रिस्पेक्ट करें, ठीक है। जब भी वो ससुराल में आता है तो उसको ऐसा लगता है कि लोग मेरी बहुत रिस्पेक्ट करें, मुझे मान सम्मान दे। तो वो जो है, वो जो 9 प्लेनेट है, जो लोग ये सब ग्रह वगैरह में मानते हैं कि ये ग्रह से ये प्रॉब्लम होता है, इस ग्रह से इस प्रॉब्लम्स का जो क्रिएट होती है उसका सॉल्यूशन लाया जा सकता है, तो 10th नंबर का जो प्लेनेट है वो है जमाई, जो हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। जो अच्छे हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर जस्ट वर्सेस दिया हुआ है, तो उसको थोड़ा बोलते हैं ना कि इनडायरेक्ट स्पीच जैसा इनको यहाँ पर बोला गया है, कि हमेशा जो कन्या को मतलब उसके साथ जिसके साथ शादी हुई है कन्या की, वो जमाई जो है वो 9th प्लेनेट जो है उसके बाद का जो 10th प्लेनेट है उसको कहा गया है, किसको, जमाई को। और मतलब अगर उसमें उसके मान सम्मान में उसको मतलब उसका वेलकम करने में उसको अच्छे से अगर नहीं रखेंगे, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं तो वो बुरा मान जाता है। हमेशा उसको ऐसा ही रहता है कि हाँ मुझे अच्छा खाना खिलाए पिलाए, अच्छे से रखे ससुराल वाले। और ख़ास करके हम लोग अभी समाज में देखते हैं कि दहेज के भी जो मतलब वो केसेस वगैरह होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सारी चीज़ें इस वर्सेस पे देखो यहाँ पे बताई गई है इनडायरेक्ट स्पीच के जैसा, कि उसको 10th प्लानेट कहा गया है जो हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वर्सेस आ रहा है टका धर्म, टका मीन्स मनी वेल्थ, टका कर्म, आजकल जो धर्म है हमारा वो भी मनी है, जो कर्म यानी हम जो काम करते हैं वो भी मनी के लिए करते हैं। टका ही परम तप, हमारी जो तपस्या है वो पैसा ही है। यस्य हस्ते टका नास्ति, जिसके हाथों में संपत्ति नहीं है, पैसा नहीं है। हाट के टक टकायते, यानी हाट के यानी बाजार में उसकी कोई कीमत नहीं होती। देखो यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया गया है कि बेचारा एक भिखारी है और एक शॉपकीपर है, ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस देखो कि उसके पास पैसा है तो पूरी दुकान लेके बैठा है, ठीक है, उसका जो धर्म है वो ही पैसा है, उसका कर्म जो है काम करने का जो मीन्स के एम गोल है वो भी पैसा ही है, और जो पैसा है वही परम तप है, उसकी तपस्या, उसको और इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, ठीक है। और जिसके हाथ में पैसे हैं तो वो मतलब कैसा है, सब समाज में उसकी बड़ी बोलते हैं रिस्पेक्ट है, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं हैं वो मार्केट में जो बाजार होता है उसमें भटकता रहता है। देखो बेचारा गरीब भिखारी है, उसके पास पैसा नहीं है तो वो क्या करेगा, अपना पेट पालने के लिए दर दर भटकेगा, अलग अलग शॉप पे जाएगा। तो यहाँ पे पैसों की इम्पोर्टेंस बताई गई है कि लोगों के लिए पैसे क्या है, ठीक है। तो उसमें जो कवि है वो ऐसा बता रहे हैं कि वर्ल्ड में दुनिया मतलब कि संसार में
जो पैसा है वही सब कुछ है, यहाँ पे ऐसी चीज़ बताई है, लेकिन ये चीज़ थोड़ी अगर हम देखने चाहें तो वो गलत है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, हमारे घर के पर्सन्स जो होते हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंस होते हैं। मतलब अभी ऐसी जनरेशन है कि जिसके पास पैसे नहीं उसको कोई कुछ पूछता नहीं है, ठीक है। जब तक आपके पास पैसे हैं तब तक सब लोग आएंगे, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई आपके सामने देखता भी नहीं है। और जब भी मतलब अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप गरीब हो, पुअर हो, पुअर बस, तो वो मार्केट में कुछ भी खरीदने के लिए जाता है तो वो चीज़ें खरीद नहीं पाता, उसकी पसंद की चीज़ें उसको मिलती नहीं है, तो उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है और मार्केट में वहीं भटकता रहता है, क्योंकि उसको खाने के भी फाफे है तो वो चीज़ कहाँ से खरीदेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कुछ भी प्राप्त वो नहीं कर सकता है, ठीक है। उसको जो भी थिंग्स चाहिए, चीज़ें चाहिए, वो कुछ नहीं खरीद सकता। तो हमने देखा है कि हमारे भारत देश में भी काफ़ी लोग पुअर जो है वो बेचारे क्या करते हैं, पैसे नहीं होने के वजह से मार्केट में, बाज़ार में जो होता है पूरा अपने खाने के लिए भटकते रहते हैं। और इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि जिसके पास पैसे नहीं है उसको मतलब समाज में उसमें भी उसको मान सम्मान नहीं मिलता है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वर्सेस, घटम भिन्नात, देखो घटम यानी घड़ा, पोट, भिन्नात यानी टूट जाना, पटम छिन्नात, पटम यानी उसको तोड़ना, पटक देना, ठीक है। कुरियात रासभ रोहणम, कुरियात रासभ, रासभ यानी गधा, ठीक है। उस पर मतलब देखो वो गधे पे बैठा हुआ है, घड़े को तोड़ दिया, एकदम पटक के उसको तोड़ा गया है, घड़े को मतलब लिया फिर उसको क्या किया, पटक के उसको तोड़ दिया। ये न के न प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवेत, कुछ भी तरह से, इस तरह से या किसी भी तरह से पुरुष जो है, पर्सन जो है वो फेमस होना चाहता है। यहाँ पे मतलब दिया गया है कि अगर वो घड़े को तोड़ रहा है तो लोगों का अटेंशन उस पर जाएगा, लोगों का अटेंशन पाने के लिए वो क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ चीज़ें कर देते हैं। देखो घड़ो मीन्स की पॉट जो है उसको तोड़ दिया है, जो उसके क्लोथ्स है पटह, वो जो है पटह मीन्स क्लोथ्स, उसको भी फाड़ दिए हैं, और गधे पे उसने सवारी की है। तो कुछ भी करके जो इंसान है वो क्या करना चाहता है, फेम पाना चाहता है, मतलब लोगों का अटेंशन अपनी ओर पाना चाहता है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई, पता है ना लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लोगों का अटेंशन उनकी तरफ जाए, उनकी फेम बढ़े जो पर्सन, तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ गलत काम या कुछ ऐसे ऑकवर्ड काम करते रहते हैं कि फिर भी मतलब वो सोचते हैं कि लोगों का अटेंशन मेरी तरफ हो और मुझे फेम मिले, ठीक है। मतलब उसकी लालच में, फेम की लालच में वो लोग कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर डालते हैं जो गलत चीज़ें होती है, लेकिन ये उनको बाद में सब रियलाइज़ होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, फेम की लालच में लोगों का जो ध्यान है उनकी तरफ आकर्षित करने के लिए, उनकी तरफ उनका ध्यान जाए लोगों का, तो वो अटेंशन जो उनका सबका यहाँ पे, वो जो पर्सन कुछ कर रहा है उसकी तरफ आए तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। सोचो रेलवे स्टेशन जैसा प्लेस है, वहाँ पे घड़े को तोड़ने की क्या ज़रूरत है, कपड़े फाड़ने की क्या ज़रूरत है, लेकिन लोगों का ध्यान जाए इसलिए कोई भी चीज़ करने के लिए वो यहाँ पे रेडी है। तो ये एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं, वो गधे पे कोई बैठता है तो भी वो इंसान गधे पे बैठा है, इसकी वजह से लोगों का ध्यान उनकी तरफ जाए, ठीक है। तो जिसमें अलग अलग मतलब एग्जांपल दिए हैं कि घड़े को तोड़ना, कपड़े को फाड़ना, गधे पे बैठना, ये ऐसे ऐसे एग्जांपल दिए जिसकी वजह से लोग ऐसी फ़नी चीज़ें करते हैं कि लोगों का ध्यान उनकी तरफ जाए, लोग उनकी तरफ देखे। तो ऐसा मतलब अब वो चीज़ उनको सूट नहीं करती है, अशोभनीय है कि गधे पे कोई सवारी करता है, नहीं वो एकदम कितना ऑकवर्ड लगता है, तो भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए, फेम पाने के लिए, तो ऐसी चीज़ें भी कर जाते हैं, पागलों की तरह बिहेवियर करते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंटली बिहेव करते हैं, ठीक है। हमने ऐसे लोग भी देखे हैं, तो मतलब फेम पाने के लिए या फिर ऐसी मतलब चीज़ें करते हैं कि हाँ मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसी बातें करते रहते हैं, तो लोग उनकी तरफ अटेंशन उनका बढ़ जाता है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, ये एक फनी बहुत है, बहुत अच्छा है। उष्ट्राणाम यानी कैमल, ही विवाहेशु, विवाहेशु यानी उसकी शादी में,
गीतम गायंती गधर्बहा, गधर्बहा यानी डोंकी, गधा। ऊंट की शादी में गधा गीत गा रहा है। परस्परम प्रशशंती, अब एक दूसरे की वो लोग तारीफ करें, परस्परम से परस्परम यानी एक दूसरे की, प्रशशंती यानी तारीफ करें। अहो रूपम, अहो ध्वनि, गधा बोलता है कि ऊंट भाई आप कितने सुंदर लग रहे हो, और ऊंट बोलता है अहो ध्वनि आपकी आवाज़ कितनी सुंदर है। कैसा हो सकता है, देखो कि ये मतलब दोनों एक दूसरे को जानते हैं कि गधे की आवाज़ कैसी होती है और ऊंट कितना दिखने में ऐसा मतलब दिखता है, ठीक है। तो ये चीज़ पॉसिबल है, ऊंट की शादी होगी नहीं, और ऊंट की शादी में गधा गीत गाए, सोचो गधा गीत गा रहा है, और फिर जब वो गीत गा रहे हैं तो वो एक दूसरे की तारीफ़ कर रहे हैं। ऊंट बोल रहा है, गधा बोल रहा है वाह क्या आप सुंदर दिखते हो, और ऊँट क्या बोल रहा है क्या आपकी आवाज़ है, मतलब दोनों जानते हैं कि हम दोनों में ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, ना मेरी आवाज़ सही है ना मैं दिखता अच्छा हूँ, फिर भी ऊपर ऊपर से दिखाने के लिए वो एक दिखावा जो करते हैं ना, अंदर से जानते हैं कि हाँ कुछ नहीं है, खाली देखने मतलब वो शो करते हैं कि हाँ आप अच्छे हो, ऐसी ऐसी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। तो हमें समाज में भी ऐसे लोग मिलते हैं जो मीठी मीठी बातें करते हैं लेकिन अंदर से वो लोग हमारे बारे में कुछ गलत ही सोच रहे होते हैं, ठीक है। तो दोनों को उसकी रियलिटी एक दूसरे को पता है, फिर भी ऊपर से मतलब एक दूसरे को अच्छा लगने के लिए, अच्छा लगाने के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तारीफ़ कर रहे हैं। गधा बोल रहा है आप कितने सुंदर दिख रहे हो, और ऊँट बोल रहा है आपकी आवाज़ कितनी ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो जब भी हम अपने समाज में भी जाते हैं तो भी लोग ऐसी चीज़ें मतलब हमको देखने की मिलती है ना, कि देखो यहाँ पे कहने के लिए ये बात की गई है कि लोग दिखावा करते हैं कि हम आपके बारे में अच्छा बोल रहे हैं लेकिन ये रियली में होता नहीं है। मतलब देखो ऊँट एकदम बेकार दिखता है, तो हमारे समाज में जो ऊँच अधिकारी होते हैं और जो बेसुरे आवाज़ जैसे जो गधे जो होते हैं बीच में जो पैसे खा जाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, वो एक दूसरे की तारीफ़ करते रहते हैं, एक दूसरे का ढकते हैं, मतलब कि दोनों जानते हैं कि हम दोनों गलत हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सरकार ने कुछ पैसे गरीबों को बांटे लेकिन बीच बीच में जो लोग आते हैं दलाल वो क्या करते हैं, वो खा जाते हैं पैसे, करप्शन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो एग्ज़ाम्पल, और वो एक दूसरे की बातें वो छुपा देते हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वर्सेस। अब शादी में जब लड़का, शादी के टाइम के पहले जब लड़का लड़की को देखने आता है तो उसकी फैमिली की क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, लोग क्या देखते हैं, वो यहाँ पे दिखाया है। कन्या वरियते रूपम, कन्या क्या देखती है लड़का कैसा दिखता है। माता ये सोचती है, माता वितम, माता पैसों के बारे में सोचती है। पिता श्रुतम, पिता नॉलेज के बारे में सोचता है, ठीक है। और जो भाई होता है वो उसका कुल देखता है कि उसकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, वो सारी चीज़ें देखता है। लेकिन लोगों को क्या होता है, मिठाई खाने में इंटरेस्ट होता है, ठीक है। कन्या जो होती है गर्ल, वो क्या देखती है कि लड़का दिखने में कैसा है, रूपम, ठीक है। माता जो है कन्या की मदर, वो ऐसा सोचती है कि लड़के के पास पैसा कितना है। पिता ये देखता है कि उसका एजुकेशन, उसका नॉलेज कितना है। और जो हमारे रिलेटिव्स है, ठीक है, हमारे जो रिलेटिव्स है भाई बंधु जो भी है, वो ऐसा देखते हैं कि उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। और जो अदर पर्सन है जो शादी ब्याह में आते हैं हमारे वहाँ पे, उनको तो सिर्फ मिठाई ही पसंद आती है। तो एक देखो यहाँ पे लड़की के लिए ये चीज़ कही गई है। तो जब भी कन्या का विवाह होता है, शादी होने वाली होती है, ठीक है, तो ये चीज़ें सारी क्रिएट होती है और सबकी फैमिली में चीज़ देखी जाती है। आप लोगों के वहाँ पे जो बड़े आपके एल्डर्स होंगे तो उसमें भी ये चीज़ आपके फैमिली वाले डिसाइड करते होंगे। तब देखना कि मम्मी क्या देखती है, पापा क्या देखते हैं, हमारे जो फैमिली मेम्बर्स है या अदर जो हमारे रिलेटिव्स है वो क्या देखते हैं, ठीक है। तो सबकी अलग अलग एक्सपेक्टेशन होती है, अलग अलग थॉट्स होते हैं। तो उस तरह से सब लोगों को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि हाँ लोग जो है कन्या जो है वो एकदम हैंडसम और अच्छा लड़का दिखना चाहिए, दिखने में सुंदर होना चाहिए।
तो वो उसका रूप देती रूप देखती है कि उसका लुक कैसा है। कन्या की मदर जो है वो जो उसका जमाता बनने वाला है, ठीक है, तो वो कितना धनवान है, रीच कितना है वो देखती है। और जो उसके पिता है कन्या के, फादर, लड़की के जो फादर है, वो क्या देखते हैं कि लड़का कितना एजुकेटेड है, ठीक है, वो कितना, मतलब अगर उसको एजुकेटेड हस्बैंड मिलेगा तो अपनी बेटी को भी वो मतलब खुश रखेगा, ठीक है, तो वो एजुकेशन देखते हैं। और जो रिलेटिव्स होते हैं वो फैमिली बैकग्राउंड देखते हैं कि उनके फैमिली के पर्सन सब कैसे हैं, किस तरह से वो लोग बातचीत करते हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, अगर कुछ पास्ट में ऐसी चीज़ हुई हो तो जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, तो ये सारी चीज़ें उनका फैमिली बैकग्राउंड देखते हैं कि उनकी रेपुटेशन कैसी है, ठीक है। तो उच्च कुल में यानी अच्छी फैमिली में उनकी शादी हो लड़की की, ऐसा सोचते हैं दूसरे जो फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स है वो। लेकिन जब शादी होती है और जो लोग शादी में आते हैं अपनी जो लड़की है उसको विशेष देने के लिए, तो उनको तो सिर्फ और खाने में ही इंटरेस्ट, और ख़ास करके अच्छी अच्छी मिठाई खाने में इंटरेस्ट होता है, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे कड़वी सच्चाई भी बताई गई है कि आपको पता चले कि लोगों को खाने में ही इंटरेस्ट रहता है, बाकी कोई कुछ नहीं देखता है। नेक्स्ट, वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर। वैद्यराज यानी डॉक्टर जो है उसको नमन करने वो योग्य हैं, और यमराज सहोदर, सहोदर यानी भाई, और यमराज के वो भाई भी है। यमस्तु हरति प्राण, यम जो है यमराज वो खाली प्राणों को ही हरते हैं यानी प्राण को ले जाते हैं। वैद्यः प्राणान धनानि च, और डॉक्टर क्या करते हैं, प्राण भी ले लेते हैं और धन भी ले लेते हैं। समझ में आया, कुछ समझाती हूँ। जो यमराज जो होते हैं, यमराज के भाई कौन है, महान डॉक्टर, जो अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, ठीक है, तो उसको हम हमारे जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी ड्यूटी निभाई है और बहुत अच्छी मेहनत की है। लेकिन एक कड़वी सच्चाई भी यही है कि यमराज जो है वो सिर्फ प्राण लेते हैं, जब मृत्यु हो जाती है तो प्राण लेने आते हैं, और डॉक्टर क्या कहता है, प्राण भी ले लेते हैं और हमारी जो मनी है संपत्ति वो भी लेते हैं। दोनों को भाई कहा गया है लेकिन डिफरेंस है, और हमको पता है कि डॉक्टर्स अगर अच्छे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो पैसों के लिए इलाज करते हैं और जब कुछ बनता नहीं है, हमने मूवीज़ वगैरह में भी हम लोगों ने देखा है कि कुछ डॉक्टर ऐसे भी है जो करप्टेड है, वो क्या करते हैं कि दर्दी, उनको पता होता है कि ये दर्दी का इतना इलाज जब परफेक्टली नहीं होने वाला या ज़िंदा नहीं रहने वाला है तो भी क्या करेंगे, मतलब कि ऐसे ही शो अप करते जाएंगे कि हाँ इतने पैसे या इतनी सर्जरी में आपको इतने पैसे देने होंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब क्या होता है, उसकी जो पेशेंट है उसकी मौत भी हो जाती है, उसके फैमिली ने जो पैसे लगाए हैं वो भी चले जाते हैं, तो दोनों तरह से डॉक्टर उनको लूटता है। एक तो पेशेंट को बचा भी नहीं पाता है, ना ही बचाता है उसको, और ऊपर से जो फैमिली वालों के वो पैसे मनी होते हैं उनको भी वो ले लेता है। तो वो मतलब क्या करते हैं कि मुफ्त में तो इलाज करते नहीं। हाँ, कुछ बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी है कि उन्होंने पूरा जीवन ऐसे ही लोगों की सेवा करने में लगा दिया हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो डॉक्टर्स का नाम ख़राब करते हैं, करप्टेड है, तो वो क्या करते हैं, उनका इलाज तो करते हैं लेकिन उसके बदले में काफ़ी सारी वेल्थ, जो धन संपत्ति, वो भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर पे एक छोटा सा मतलब बोलते हैं टोन के इनडायरेक्टली उनको कहा गया है। और आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस लेसन। बहुत इजी वर्सेस थे, एक दो बार देखोगे तो आप बहुत, और उसकी लैंग्वेज भी बहुत इजी है तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आए होंगे। तो अच्छे से आप उसको करिएगा लर्न, और जो जो पीडीएफ वगैरह आ रही है तो नोटबुक्स में भी आप उसको अच्छे से ले नोट डाउन लिखते जाना है, और जो भी नोट्स आपको मिले हैं जब भी स्कूल रीओपन होगा वो चेकिंग के लिए जाएगा, तो सारे नोट्स आप लोग कंप्लीट रखिएगा। वर्कबुक पीडीएफ भी जो भेज रही हूँ और जो नोट्स भेज रही हूँ सब के सब आपके कंप्लीट होने चाहिए स्टूडेंट्स, और अच्छे से लिखना, कोई मैसिव वर्क मत करना क्योंकि नोटबुक अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए, क्योंकि इसके इस बार आपके इंटरनल मार्क्स हर मंथली उसमें ऐड होते हैं, ठीक है, थीके? तो सारे जो नोट्स है वो आपको कंप्लीट रखने हैं, वर्कबुक एक्सरसाइज ऑल्सो,
और लर्न करते रहना, जो जो चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं एटलीस्ट उसका ट्रांसलेशन हम उसी के साथ आप लर्न करते रहिएगा, तो क्या एग्ज़ाम के टाइम पे आपको ज़्यादा बर्डन ना हो, क्योंकि ट्रांसलेशन बहुत इजी है यहाँ जो भी चैप्टर्स अभी आ रहे हैं वो। और वर्सेस का तो मैं आपको बोलूँगी, वर्सेस के ट्रांसलेशन सारे लर्न करने हैं, लेकिन संस्कृत में कौन से लर्न करने हैं वो आपको एग्ज़ाम के टाइम पे बोला जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसलेशन और क्वेश्चन आंसर्स है, एक्सरसाइज जो है वो सारी आपको लर्न करनी ही है अच्छे से, हैंड रिटन वो राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, नोटबुक अच्छे से मेंटेन करना है, और प्लीज़ जितने भी ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं वो आपको अटेंड करने ही हैं, क्योंकि आपकी अटेंडेंस यहाँ फेल की जाती है, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूँ कि जो भी नोट्स मैं भेज रही हूँ, ठीक है, वो एकदम सीक्वेंस वाइज उसको लिखने का है, ठीक है, क्योंकि वो मैंने अच्छे से सीक्वेंस वाइज बना के ही मतलब लिखा हुआ है। और वीडियो भी आप लोग अच्छे से देखिएगा, जैसे ही हम ऑनलाइन में, मैं बार बार बोलती हूँ कि आज मैंने जो ऑनलाइन में पढ़ा है उसी का वीडियो उसी दिन होता ही है, तो ठीक है, तो आपको वो वीडियो को देखना भी है, तो उसी के दिन उसी टाइम पर आपका रिविज़न अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो देखोगे तो वो जो चैप्टर से अगर समझ में नहीं आया है, ठीक है, कोई क्वेरी होती है, नेटवर्क इश्यू होता है आपके ऑनलाइन लेक्चर में, तो आप वो वीडियो को देखोगे तो वो भी अच्छे से वापस से लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो में वो सारी चीज़ें जो मेंशन होती है जो मैं ऑनलाइन में पढ़ाती हूँ, लेकिन कभी कभी आपके और मेरे दोनों में से किसी और के नेटवर्क इश्यूज होते हैं, ठीक है, मोस्टली कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो आप वो वीडियो को देखिए जो वीडियो टीचर्स अपलोड करते हैं, एनी हाउ मतलब कोई भी सब्जेक्ट के हो, ठीक है, तो आप वीडियो को देखिए तो और अच्छे से वो चीज़ डिटेल में आपको समझ में आएगी। जो ऑनलाइन में हम लोग पढ़ते हैं वही चीज़ हम वीडियो में भी देख सकते हैं, तो आपका एक रिविज़न भी अच्छे से हो जाएगा। यहाँ एक मैंने फैक्ट भी दिया है, हर बार मैं ऐसा करती हूँ कि कोई वीडियो के पीछे एक ना एक फैक्ट रहता ही है, तो यहाँ पर फैक्ट जो है वो मैं बता रही हूँ कि टमाटर की उत्पत्ति यानी बॉर्न जो है वो दक्षिण अमेरिका एंडीज में हुई थी। इसका भोजन के रूप में इस्तेमाल सबसे पहले मेक्सिको में किया गया। टमाटर का इस्तेमाल पूरी दुनिया में एक सब्जी के रूप में होता है, लेकिन असल में टमाटर एक सब्जी न होकर एक फल है। इट्स अ फैक्ट, और शायद आपको पता भी है कि टमाटर जो है वह फ्रूट है, ठीक है, सब्जी नहीं, वेजिटेबल नहीं है, लेकिन हम मोस्टली उसकी सब्जी बनाते हैं, फिर सब्जियों में यूज़ भी उसको करते हैं, ठीक है। और बहुत अलग अलग टाइप्स के टमाटर आज हम देखने को मिलते हैं, राउंड शेप के होते हैं, ओवल शेप के होते हैं, ह्यूज होते हैं, थोड़े छोटे छोटे बेबी टोमेटोज भी होते हैं, ठीक है। और टोमेटो बगैर के लाइक हम कोई भी सब्जी में मोस्टली टोमेटो होता ही है, कॉमन है, लेकिन हम मोस्टली ऐसा समझते हैं कि हाँ टमाटर की सब्जी, टमाटर हमें ऐसे ही हम समझते हैं कि वो सब्जी के रूप में है, लेकिन नहीं, सब्जी नहीं है, ये फ्रूट के रूप में है। और जिसकी उत्पत्ति यानी उसका बॉर्न जो है वो दक्षिण अमेरिका के एंडीज में हुआ था, वहाँ पे सबसे पहले इसको उगाया गया था। और इसका भोजन के रूप में इस्तेमाल सबसे पहले मेक्सिको में किया गया था। मेक्सिको सिटी जो है, सब लोग मोस्टली उसका नाम अभी हमें फेमस पता ही है। और टमाटर का इस्तेमाल पूरी दुनिया में एक सब्जी के रूप में होता है, पूरी दुनिया में मोस्टली, हाँ ऐसा नहीं कि इंडिया में ही, आउट ऑफ कंट्रीज जो भी जितनी भी कंट्रीज है पूरी दुनिया में वहाँ उसके सब्जी के रूप में उसका यूज़ किया जाता है, लेकिन हम अगर देखने जाए तो टमाटर असल में एक सब्जी ना होकर फल है, फ्रूट है। तो अच्छा लगा ये फैक्ट, मोस्टली हमें फैक्ट पढ़ने चाहिए जिससे हमारा नॉलेज भी बढ़ता है, ठीक है। और कहीं भी, अब कहीं भी जाए, कोई कंपटीशन हो या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो इसमें अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाए तो उसके लिए भी अच्छा रहता है कि हमें उस चीज़ का नॉलेज होना भी ज़रूरी है। जो चीज़ हम खाते हैं हमारे आजू बाजू होते हैं, तो उसके लिए फैक्ट हमें पता होना चाहिए, उसके लिए नॉलेज होना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो ऐसे बहुत से फैक्ट होते हैं, आप भी गूगल में सर्च कीजिए, हर रोज कोई एक या दो फैक्ट आप पढ़िए, ठीक है, किसी के बारे में जानिए, कोई भी प्लेस के बारे में या कोई थिंग्स के बारे में, तो वो आपके नॉलेज में इम्प्रूव करेगी और आपका जो बोलते ना कि इंटेलिजेंट पावर है वो भी वो बढ़ाएगा, ठीक है। तो हर एक चीज़ अच्छे से पढ़नी चाहिए, जाननी चाहिए, सबको समझ में आ गया, ये वीडियो प्लीज़ ज़रूर से देखिएगा, ठीक है, जिससे आपका रिविज़न भी हो जाएगा। थैंक यू।